पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में आज चैप्टर नंबर 10 पे बात करेंगे, जिसका नाम है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट में हम लोगों को तीन टॉपिक पढ़ना होता है, टाइप्स एंड मेथडोलॉजी, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक, ऊपर के दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे, टाइप्स एंड मेथडोलॉजी एंड एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज चर्चा करेंगे। एनर्जी ऑडिट कहते किसे हैं? ऊर्जा के उपयोग का ऐसा ऊर्जा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण जिसमें ऊर्जा खपत को घटाने की कार्यविधि, ऊर्जा क्षमता को उन्नत करने से लाभ विश्लेषण सहित संस्तुति की तकनीकी रिपोर्ट का विवरण हो, ऊर्जा लेखा परीक्षा कहलाती है, एनर्जी ऑडिट कहलाती है। मतलब कि किसी संस्था में एनर्जी ऑडिट से मतलब ये है कि उस संस्था में उपयोग होने वाले किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो क्या करते हैं, उनकी ऊर्जा खपत कितनी है और वो ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न की जा रही है और प्रयोग की जा रही है, यह पूरी प्रक्रिया एनर्जी ऑडिट के अंतर्गत देखा जाता है। एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता क्यों होती है? एनर्जी ऑडिट या ऊर्जा लेखा परीक्षक की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, उत्पादन में विशिष्ट तरह की ऊर्जा और ईंधन के प्रयोग को समझना। दूसरा है, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की लागत और मात्रा को पहचानना। तीसरा है, विभिन्न स्तर पर होने वाले ऊर्जा खपत को पहचानना। चौथा है, इनपुट और आउटपुट संबंधित अपव्यय की तरफ ध्यान आकर्षित करना। पांचवा है, ऊर्जा के कुशल मापों को पहचानना। तो इसमें हम लोगों ने पहला देखा है, उत्पादन में विशिष्ट तरह की ऊर्जा और ईंधन के उपयोग को समझना। मतलब इसका यह है कि किस प्रकार का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि हमारा इंडस्ट्री किस प्रकार का है और उस इंडस्ट्री में हम लोग ईंधन किस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की लागत और मात्रा को पहचानना। जो एनर्जी प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं या ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उसकी लागत और उसकी यूनिट मात्रा को पहचानना भी एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। विभिन्न स्तर पर होने वाले ऊर्जा खपत को पहचानना, मतलब कि विभिन्न भिन्न भिन्न हो सकता है कि कोई एक संस्था है जिसमें कई विभाग हैं, तो उसमें किस विभाग में किस प्रकार की ऊर्जा की खपत हो रही है उसको भी हम लोग इसमें जानेंगे। ऊर्जा के कुशल मापों को पहचानना, मतलब कि ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो, जैसे कि ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा का हम लोग इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं, तो उनकी मापों को जानना है कि किस प्रकार का मापन प्रक्रिया वहाँ पे अपनाया जा रहा है। उसके बाद में आता है एनर्जी ऑडिट का वर्किंग मेथड, किस तरीके से एनर्जी ऑडिट कार्य करता है उसको इसमें बताया गया है। ऊर्जा लेखा परीक्षा के कार्यविधि के निम्न चरण हैं। पहला, उपभोक्ता का साक्षात्कार करना, मतलब एनर्जी ऑडिट के लिए जो भी व्यक्ति जाता है वो सबसे पहले उसका एक इंटरव्यू लेता है कि आपके यहाँ किस प्रकार की इंडस्ट्री है, कितने किस प्रकार का एनर्जी सोर्स है, एनर्जी खपत है, वो सबका इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार करता है। दूसरा है, संभावित क्षेत्रों का भ्रमण करना, जहाँ जहाँ भी एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता होती है वहाँ पर एनर्जी ऑडिट संस्था का आदमी जाके भ्रमण करता है कि किस प्रकार का इंडस्ट्री और किस प्रकार का सोर्स वहाँ पे है। उसके बाद जिस भी इंडस्ट्री में जाता है तो उसमें दस्तावेज की समीक्षा करता है कि ये जो एनर्जी खपत हो रही है, ऊर्जा का खपत हो रहा है, वो जो आपने डॉक्यूमेंट में दिया था BW के अनुसार वही दिया है या दूसरा कुछ हो रहा है, ये सब बातें भी वहाँ पर होती हैं। आवश्यक वस्तुओं का निरीक्षण करना, जो वहाँ पे एनर्जी ऑडिट के हिसाब से
इम्पोर्टेंट होती हैं उन वस्तुओं का निरीक्षण भी किया जाता है। उसके बाद उस पूरे संस्था का आर्थिक विश्लेषण करना कि वो संस्था कितने मूल्य की है और भविष्य में कितने मूल्य का हो सकता है, उसका कैपिटल कास्ट क्या है, उसका रनिंग कास्ट क्या है, ये सब के बारे में जानकारी रखना भी एनर्जी ऑडिट का कार्य होता है। लेखा परीक्षा की संक्षेप में निम्न जानकारी देना ये भी उसका कार्य होता है कि लेखा परीक्षा जो है किसकी किसकी जानकारी देता है, मासिक ऊर्जा खपत की जानकारी लेता है संस्था से, दूसरा विभागों के अनुसार एनर्जी खपत एनर्जी कंजप्शन की जानकारी देता है, प्रत्येक विभाग में ऊर्जा संरक्षण के अवसरों की पहचान करता है, मतलब कि जितने विभाग हैं उसमें किस प्रकार से ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है उसको भी समझते हैं, वैकल्पिक स्रोत की नई परियोजनाओं की स्वीकृति भी देता है कि भाई यहाँ पे आप वैकल्पिक स्रोत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पे भी कार्य करिए, जैसे कि एनर्जी सोर्स हुआ, वाटर सोर्स हुआ एनर्जी का, तो अगर इनसे भी अगर कुछ एनर्जी का सोर्स जनरेट होता है उत्पादित होता है तो उसको भी एनर्जी ऑडिट वाला सलाह देता है कि आप इसको भी अपनाइए जिससे कि एनर्जी कंजप्शन में कमी आएगी, आपके दक्षता में बढ़ोतरी होगी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट का। ऊर्जा लेखा परीक्षा निम्नलिखित प्रकार की होती है। प्राइमरी ऑडिट, इस प्रकार की लेखा परीक्षा सबसे सस्ती होती है। यह ऊर्जा बचाने की प्राथमिक संभावनाओं की पहचान करती है। इससे ऊर्जा के उपयोग किए जाने की ढंग को पहचाना जाता है। इसे साधारण लेखा परीक्षा भी कहते हैं। दूसरा है जनरल ऑडिट। इस प्रकार की लेखा परीक्षा में ऊर्जा के उपयोग और हानियों की मात्रा ज्ञात करने के लिए परीक्षण और मापन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की लेखा परीक्षा को लघु लेखा परीक्षा भी कहते हैं। तीसरा है डिटेल्ड ऑडिट, विस्तृत लेखा परीक्षा। इस प्रकार की लेखा परीक्षा में प्रकाशन प्रक्रिया तथा ऊर्जा की खपत और उनके आकलन के कार्य किए जाते हैं। इसमें ऊर्जा के उपयोग किए जाने वाले ढंग और पूर्वानुमान को वार्षिक चक्र के आधार पर कंप्यूटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपने यहाँ पर पहला देखा है प्राइमरी, दूसरा देखा है जनरल और तीसरा देखा है डिटेल्ड ऑडिट। तो इसमें आपको एक अंतर रहेगा मिलेगा कि पहला है प्राइमरी, इसमें ऊर्जा प्रयोग कर किए जाने के ढंग को पहचाना जाता है, और दूसरा जो जनरल ऑडिट है उसमें उपयोग करने के ढंग और हानियों के बारे में जाना जाता है, और तीसरा आपको मिलेगा कि प्रकाशन प्रक्रिया खपत और आकलन, मतलब कि किस प्रकार का हम लोग एनर्जी का बता रहे हैं। बताने से तात्पर्य है कि हमने बताया कुछ और है और उपयोग हम कुछ और कर रहे हैं, तो प्रकाशन प्रक्रिया पे ध्यान दिया जाता है, खपत पे ध्यान दिया जाता है और आकलन में ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार का आकलन और किस प्रकार की एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे हो रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे एनर्जी सेविंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा टॉपिक है एनर्जी सेविंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ऊर्जा लेखा परीक्षा के प्रमुख उपकरण हैं। भाई एनर्जी ऑडिट का कोई आदमी अगर किसी संस्था में जाता है तो उसके पास सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिजली का मापन करने गया तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, हीट का मापन करने गया तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, एयर का मापन करने गया तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, वह उसने वहाँ पे दाब का मापन करना चाहते हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनर्जी ऑडिट के कार्यकर्ता के पास में ये सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो पावर एनालाइजर, यह उपकरण विद्युतीय प्राचलों को मापने का कार्य करता है। पहला है पावर एनालाइजर। पावर एनालाइजर का मतलब यह है कि ये जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, ये सब चीज़ों को यह मापने का कार्य करता है। फ्लो मीटर, यह तरल पदार्थों के वेग को मापता है, फ्लो मीटर कि कितने वेग से वो फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। दूसरा है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, यह भी तरल पदार्थ को मापने में प्रयोग किया जाता है। पिटोट ट्यूब, यह नलिका के अंदर वायु वेग को मापता है। एमनोमीटर, यह वायु का वेग मापता है, एमनोमीटर, ध्यान रखिएगा इस नाम को, ये कंपटीशन में भी आ जाता है कभी कभी। इंफ्रारेड
थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर यह भट्टियों के सतह का ताप मापता है। इसको ऐसे दूर से ही गन टाइप का इसको लगाते हैं और मेजर वो जितना भी भट्टी का तापमान होता है उसको एक डिस्प्ले में दिखा देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फायराइट पे। इसका उपयोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मापन के लिए किया जाता है। लीक डिटेक्टर, इससे गैसों के लीकेज का पता चलता है। लक्समीटर, इसका प्रयोग प्रदीपन स्तर को मापने में किया जाता है कि कितना जो बल्ब है वो कितनी रोशनी दे रही है, कितना चमक वो दे रहा है, उसको मापने के लिए लक्समीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर से पावर सप्लाई सिस्टम एंड मोटर चैप्टर पे चलेंगे, जहाँ से फिर हमारा 3 चैप्टर और बचता है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 दिनों में। ठीक है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का वीडियो और चाहिए तो उसको भी आप लोग बताइए, जिससे कि हम लोग उसको प्रोवाइड कर सके। पावर प्लांट और UEE ये जल्द ही इसे शुरू हो जाएगा, क्यों पावर प्लांट में इसलिए अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो 3रा 4था 5वां 6ठा चैप्टर है वो जो है पावर प्लांट से ही रिलेटेड है। तो हम लोग दोनों जो है पैरेलल लेकर चलेंगे, जिससे कि दोनों चीज़ें समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको, और आगे ही इसी तरीके का वीडियो देने के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, अपना योगदान दीजिए। ठीक है, जब तक आप लोग अपना योगदान नहीं देंगे तब तक हम लोग प्रयास ऐसे आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना भी योगदान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, जिससे कि उनको लाभ हो। ठीक है, तो इस PDF को अगर आप लोग लेना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल आप ऐप उसका डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है पॉलिटेक्निक कैप्सूल, उसको सर्च करने के बाद फिर आप वहाँ पे ज्वाइन का एक नीचे सबसे नीचे एकदम क्लिक करिए, उससे ज्वाइन हो जाएंगे और सारे वीडियो और PDF वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।